सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हूँ, इसीलिए सबसे पहले आपको पैसे से मजबूत करने वाली जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप फाइनेंशियल तौर पर मजबूत रहेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी रहेंगी, कोई आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। महिलाओं को धन प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय करने हैं वो जानिए। घर की सबसे ज्यादा उम्रदराज महिला को सूर्योदय से पहले उठ जाना है। अगर सबसे उम्रदराज महिला उठ नहीं सकती तो मेडिकल दिक्कतें आती ही रहेंगी। कोई बात नहीं, घर में जो नंबर दो हो वो उठ जाए और रोज तांबे के लोटे में जल भरकर मुख्य द्वार पर छिड़कें तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी पावर्टी नहीं आती। जिस घर में नियमित तौर पर हर शुक्रवार को श्री सूक्त या श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। हर हफ्ते घर में फर्श पर पोछा लगाते समय इसमें जो भी आपके यहाँ होता है थोड़ा सा, जो भी पोछा लगाता है उसे कहिए थोड़ा सा नमक मिला लिया करें। ऐसा करने से घर में होने वाले झगड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक फायदा और होता है, आपके घर में आने वाले मेहमान जो कोई नेगेटिव एनर्जी लेकर घर आते हैं, बुरी नज़र जो लगा कर जाते हैं, ये नमक वाला पोछा लगा होने की वजह से कोई नेगेटिव एनर्जी असर नहीं करती, खत्म हो जाती है और बुरी नज़र भी नहीं लगती। आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बने रहे और आपको कभी पैसे की तंगी ना हो तो हर अमावस्या को अपने घर पूरी साफ सफाई करवा दें। जितना भी फालतू सामान इकट्ठा हुआ है उसे कबाड़ी को बेच दें या बाहर रख दें। ये किसी जरूरतमंद को दान भी कर सकते हैं। सफाई के बाद 5 अगरबत्ती घर के मंदिर में लगाएं, इससे भी आपकी दुख परेशानी खत्म होगा। आज सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है, चलिए आपको वो वास्तु टिप बताऊं जो महिलाओं से जुड़ी हुई है। जिसके घर का आगे का भाग टूटा हुआ है, प्लास्टर उखड़ा हुआ है या सामने की दीवार में दरार टूटी फूटी या किसी प्रकार से खराब हो रही है, उस घर की मालकिन की सेहत खराब रहती है, उसे मानसिक अशांति रहती है और हमेशा उदास रहती है। किसी घर का साउथ वेस्ट कोना, साउथ वेस्ट का अगर जो कोना है ये किसी भी तरह से, अगर साउथ वेस्ट का कोना किसी भी तरह से घर से नीचा होता है, वहाँ कोई वाटर टैंक होता है, कुआं, बोरवेल, सेप्टिक टैंक होता है, तो ऐसे घर की महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं। ऐसे घर की स्त्री कोई ना कोई बीमारी, बड़ी बीमारी लेकर हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान रखें। जिस घर का साउथ वेस्ट कोना बड़ा हुआ है उस घर की स्त्रियों को लंबी बीमारियाँ हो सकती हैं। घर के पूर्व दिशा में मुख्य द्वार हो, उत्तर दिशा में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो, दक्षिण जगह खाली हो तो घर की फीमेल के साथ अनहोनी हो सकती है। दक्षिण में घर का मुख्य द्वार हो और ईशान कोण तक घर बना हो और दक्षिण दिशा खुली हो, वहाँ बरामदा हो, तो जहाँ पर भी ये फीमेल रहती है इसकी हेल्थ खराब होती है। घर के दक्षिण दिशा का खुला होना या सभी कमरों और बरामदों में दक्षिण का भाग नीचा हो तो उस घर की स्त्रियाँ खुश नहीं रहती। किसी घर के आंगन से पानी दक्षिण दिशा या साउथ वेस्ट की ओर से बाहर बहता हो तो उस घर की स्त्रियों के लिए शुभ संकेत नहीं होते।